according to ProfitMart. Boat's parent company, which is Imagine Marketing, has filed a draft paper for ₹2,000 crore IPO. Boat, जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत पॉपुलर कंज्यूमर बेस्ड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मार्केट में कुछ सालों पहले आया था एंड विच हैज नाउ बिकम अ मिलियन डॉलर कंपनी. वेल, द इंटरेस्टिंग न्यूज इज कि बोट ने 2,000 crore rupees का IPO फाइल किया है विद सेबी. सो लेट्स हैव अ क्विक गो थ्रू ऑफ व्हाट द IPO इज अबाउट. के इस IPO में बोट ने 900 करोड़ का फ्रेश इशू और 1100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा है. यानी कि 900 करोड़ जो है वो न्यू शेयर्स से रेज किए जाएंगे और 1100 थ्रू OFS, जिसमें बोट के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स में से कुछ हिस्सा लिक्विडेट करेंगे. बोट को काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने बैक किया है, जैसे कि फायरसाइड वेंचर्स, क्वालकॉम वेंचर्स LLC एंड साउथ लेक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड. कंपनी के फाउंडर्स अमन गुप्ता एंड समीर मेहता, जो कुल मिलाकर कंपनी के 56.5% स्टेक होल्ड करते हैं, ये दोनों भी अपने स्टेक में से कुछ हिस्सा, एक छोटा हिस्सा सेल करने वाले हैं, विच इज 150 करोड़ ईच एंड अ टोटल ऑफ 300 करोड़. द सेकेंड सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ बोट, विच इज साउथ लेक इन्वेस्टमेंट, ये भी अपने शेयर्स लिक्विडेट करने वाले हैं वर्थ ₹800 करोड़ इन द IPO. So now the question comes, बोट ये funds use कैसे करने वाली है? So the company is planning to use the IPO funds to repay or prepay the company's debts. अगर आपने variable technology, variable market के बारे में सुना हो, तो this market in India is growing like anything. ये फिलहाल पैसों से भरा हुआ है. और guess what? बोट is among the second largest player in the variable market in India. And it was the fifth largest brand globally as of last year. And according to the बोट, this market is going to keep increasing as of 2025 by 10 times. अब अगर हम इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स हेडफोन्स, फिटनेस वेरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस, चार्जिंग केबल्स और एंड अदर मोबाइल एक्सेसरीज. और इन प्रोडक्ट्स की खासियत यह है कि ये लो कॉस्ट में बहुत अच्छे एंड प्रीमियम एस्थेटिक्स ऑफर करता है. अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो उनमें हमें एक अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिलेगा. The company's financial growth is just brilliant. बोट का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है सिंस 2020 टू 2021, ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है. और अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो अप्रैल टू सितंबर, इन 6 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 1550 crore था और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बना. बोट ने ऑलमोस्ट 118 करोड़ का प्रॉफिट बनाया. तो ये सारे फैक्टर्स जिनके बारे में हमने बात की, दिस इज इन द सपोर्ट ऑफ IPO. And it will help it receive a healthy listing. So that's all for today. Thank you so much for watching. Agar aapko ye video pasand aaya ho, to please like, share, comment and subscribe to ProfitMart. And we'll keep making such videos for you. So stay tuned until then.